ऑटो सेक्टर से स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 673 सीएमपी है, कैश लेवल है, यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट 682 का होगा, दूसरा टारगेट 686 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 667 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, एक नेक लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, बढ़िया चार्ट्स बने हुए हैं, वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है, तो बाय करने की सलाह है 682 686 के टारगेट्स के लिए टीवीएस मोटर्स, स्टॉप लॉस रहेगा 667। टाटा स्टील, टाटा स्टील का फ्यूचर बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। अभी फ्यूचर का रेट करीबन 1197 का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीबन 1215 रुपए का, 1215 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए। और मैं मानता हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है, पहला लक्ष्य रहेगा 1175 का और दूसरा लक्ष्य 1160 का, जो कि अगले दो दिनों में आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसमें एक अच्छा खासा रैली देने के बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ है और ऊपर से बिकवाली अभी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें मैं मानता हूं कि 1215 का स्टॉप लॉस बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होगा और 1175 और 1160 के टारगेट के लिए टाटा स्टील के फ्यूचर में बिकवाली करने की सलाह।